रोडवेज कर्मियों की हड़ताल के दूसरे दिन धौलपुर में भी बसों का चक्का जाम रहा। राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हुई इस हड़ताल से धौलपुर डिपो को करीब 24 लाख रुपए का नुकसान हुआ। जनता को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हड़ताल के दूसरे दिन कर्मचारियों ने रोडवेज वर्कशॉप का गेट बंद कर दिया और बस स्टैंड पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। धौलपुर में बस ही नहीं चल रही है, जरूरी दवाई लेके आनी आगरा से समझ लो, और कर्मचारी लोगों ने हड़ताल मचा दी है और देखा तो बस नहीं चल रही है। ये हड़ताल जारी है, कल भी हड़ताल रही थी, आज भी हड़ताल जारी है। हमारा ऑपरेशन पूर्ण रूप से बंद है और हमें कम से कम 10 से 12 लाख रुपये का पर डे का घाटा हो रहा है। हमारी जो रोडवेज की ऑफिस का कार्यालय है, ऑफिस में जो काम होता है वो बराबर चालू है, बाकी गाड़ियाँ निकल पा रही हैं कि गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही है बिल्कुल।